हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है, इनक्रेडिबल लव। ये एक छोटी सी स्टोरी है, लेकिन ये मेरी नहीं है। इस स्टोरी की ऑथर का नाम है अंशली उपाध्याय, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये स्टोरी कहीं पर भी नहीं लिखी है। उन्होंने मुझे ये स्टोरी बस इंस्टाग्राम पर शेयर करी थी, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हम लोग वांगशी को देखते हैं, जो कि 5 साल का है। वांगशी की फैमिली एक नई जगह पर शिफ्ट हुई है। वांगशी के मदर एंड फादर दोनों ही वर्क करते हैं, जिसकी वजह से वह वांगशी को इनफ टाइम नहीं दे पाते। और साथ में लंशी चैन, क्योंकि वो अभी 10 साल का है, वो स्कूल जाने लगा है और वो अपनी स्कूल लाइफ में थोड़ा बिजी हो जाता है, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी। अभी उन्होंने वांगशी के लिए कोई सुटेबल स्कूल नहीं देखा है, जिसकी वजह से अभी वांगशी घर पर ही है। रात को डिनर के वक्त केवल वांगशी के मदर और लंशी चैन ही थे। वांगशी के फादर नहीं थे, क्योंकि आज रात वह नहीं आने वाले थे। हालांकि फिर भी वांगशी अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड कर खुश था। वांगशी की मदर वांगशी को खाना खिला रही थी और वांगशी काफ़ी ज़्यादा बात कर रहा था। उसकी मदर उसे बीच बीच में टोकती है कि ऐसा मत करो। लंशी चैन हंसने लगता है। लंशी चैन बोलता है, तुम कितने बोलते हो। वांगशी को बातें करना पसंद था और वह जिन भी चीज़ों के लिए क्यूरियस हुआ करता था, उनको जानना पसंद करता था। वांगशी की मदर भी हंसने लगती है और उसकी मदर एकदम से बोल देती है, अरे इसे बोलने का श्राप लगा है, कभी भी इसकी चोंच बंद नहीं होती। ये सुनते ही वांगशी चुप हो जाता है और लंशी चैन वांगशी के गालों को पिंच करता है। वांगशी याद करता है कि उसके बेबी सिटर ने भी उसकी मदर से यही बोला था कि वांगशी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बोलता है और बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। वांगशी अब घर पर अकेला होता है। उसकी न्यू बेबी सिटर भी आ जाती है। लंशी चैन अपने स्कूल में बिज़ी और उसके मदर एंड फादर अपने वर्क में बिज़ी। वांगशी अकेला फील करता है कि ना तो उसके पास कोई बात करने के लिए है, ना कोई उसे समझने के लिए, और वो सबको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा है। इसके बाद वांगशी वहाँ से गार्डन में चला जाता है और वहाँ पे पहले वो चींटियों को देखने लगता है, और उसके बाद वहाँ से हटकर वह वहाँ पर फूलों को देखने लगता है और वहाँ पर तितलियों को। वांगशी बस एक जगह बैठकर इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने लगता है पूरी शांति के साथ। और इन सभी में फिर वांगशी की नज़र केवल एक तितली पर थी। वांगशी उसे ही देख रहा था, जो वांगशी को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है, जैसे उसमें कोई स्पार्कल हो जो उसे खींच रहा हो उसकी तरफ। लेकिन वांगशी यही सोच रहा था कि आखिर ये इतनी देर से एक ही जगह पर क्यों बैठी है, जबकि बाकी सारी तितलियाँ तो यहाँ से वहाँ उड़ रही हैं, कोई इधर तो कोई उधर, लेकिन ये सिर्फ एक जगह पर ही बैठी है। वांगशी उठकर उस तितली के पास जाता है और वांगशी बोलता है, क्या तुम्हारे भी दोस्त नहीं हैं। अचानक से उस तितली का फेस वांगशी की तरफ हो जाता है। वांगशी सोचता है, मैं सही हूँ, ये बाकी तितलियों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, शायद ये कोई रेयर स्पीशीज़ है बटरफ्लाई की। वांगशी उसे टच करने ही वाला होता है, लेकिन वो तितली एकदम से पीछे हो जाती है। ये देखकर वांगशी सैड हो जाता है। वांगशी बोलता है, सॉरी, मैं तो बस जानना चाहता था, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है और मुझे ऐसे अकेले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर वो तितली मानो रुक ही जाती है और सिर्फ वांगशी की तरफ ही देख रही थी। वांगशी से पूछता है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, और एकदम से वो तितली अपने विंग्स को फैला लेती है, जिसे वांगशी कहते हैं, क्या तुम तैयार हो। और ये देखते ही वांगशी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। और इसके बाद वांगशी उसी से ही इतने सारे क्वेश्चन पूछने लगता है, वैसे तुम उड़ क्यों नहीं रही हो। फिर वांगशी बोलता है, ओ मुझे तो पता ही नहीं था, तुम तो बोल ही नहीं सकती, लेकिन तुम्हें उड़ना नहीं है क्या। वांगशी बोलता है, ओके तुम बोल नहीं सकते, लेकिन तुम्हें सुन लेना। इसके बाद वांगशी उस तितली को एक नाम देता है। वांगशी बोलता है, क्या मैं तुम्हें यिंग कहकर बुलाऊं। और वो तितली फिर से अपने पंख को फैलाती है। वांगशी बोलता है, इसका मतलब यस है। और इसके बाद वांगशी खुद ही उस तितली से बात करने लगता है। और इन बातों के दौरान वांगशी को एक पल भी अकेलापन फील नहीं होता, कि मानो जो उसे अपने दिल में सारी बातें कहनी थी वो उस तितली को कह रहा हो। जब वांगशी को वहाँ पर काफ़ी देर हो जाती है, तो उसके बेबी सिटर की आवाज़ आती है कि अब तुम्हें बहुत देर हो चुकी है बाहर, आकर कुछ खा लो। वांगशी बोलता है, पर, लेकिन उसकी बेबी सिटर बोलती है, पर वर कुछ नहीं, टाइम तो देखिए यंग मास्टर, इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है, और इस तरह से भूखे रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। वांगशी बोलता है, ओके। और ये कहकर वह जैसे ही अपने फेस को टर्न करता है कि वह उस तितली से पूछे कि उसके साथ चले क्या, इतने में ही देखता है कि वो तो उड़कर दूर जा रही है। ये सुनते ही वांगशी एकदम से सैड हो जाता है। वांगशी बोलता है, यिंग। उसकी बेबी सिटर बोलती है, यंग मास्टर,
आप किसे बुला रहे हो? लेकिन वांगशी का मूड तो पूरी तरह से ही ख़राब हो जाता है। वांगशी कोई आंसर नहीं करता और घर के अंदर आ जाता है। रात को डिनर के वक्त लैंशी चंद वांगशी से पूछता भी है कि आखिर वह सेट क्यों है, लेकिन वांगशी कोई आंसर नहीं करता और वहाँ से उठकर चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन वांगशी सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ही गार्डन में चला जाता है, इसमें कि शायद उसे यिंग वहीं पर मिल जाए, और वह वहीं पर उस तितली को ढूंढने लगता है। पहले वांगशी थोड़ा सैड हो जाता है क्योंकि उसे कहीं पर भी वो तितली दिखाई नहीं देती। इसके बाद तभी उसके कंधे पर एक तितली आकर बैठती है और वांगशी जब देखता है कि ये तो वही है, वांगशी बोलता है यिंग, और ये सुनते ही वो तितली फिर से अपने पंख को फैलाती है और उड़ते हुए वांगशी के फेस के सामने आ जाती है, और वांगशी उसी के साथ खेलने में फिर से खो जाता है। जब लंच के लिए उसकी बेबी सीटर बुलाती है तो वांगशी का बिल्कुल मन नहीं करता। वांगशी यिंग से पूछता है कि क्या वह उसके साथ उसके घर चलेगा, लेकिन वह तितली कोई आंसर नहीं करती। फिर वांगशी बोलता है तो क्या तुम मुझे यहीं पर मिलोगी? वह एकदम से अपने पंख को फैलाती है, वांगशी बोलता है ओके, और वह जल्दी से फिर से लंच करके आ जाता है। वांगशी लगभग एक हफ्ते तक उस तितली के साथ था। इस दौरान वांगशी के पेरेंट्स भी नोटिस करते हैं कि वांगशी अब क्वेश्चन कम पूछा करता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और वो अब इस चीज़ पर शिकायत भी नहीं करता कि आप घर पर क्यों नहीं रुकते हो। लेकिन एक हफ्ते बाद ही वो तितली मर जाती है, जिसकी वजह से वांगशी बिल्कुल एकदम से सैड हो जाता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से कोई उसका ऐसा दोस्त बना था जिसके साथ वह खेला करता था, और अकेलापन उसने बिल्कुल फील नहीं करा था उस दौरान। और अब वांगशी के पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगती है, क्योंकि अब वांगशी चुप तो है लेकिन शायद वो अब खुश भी नहीं है, और उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर अब वह क्या ही करें। अब वांगशी 6 साल का हो जाता है और अब उसके पास एक रैबिट है। वांगशी की मदर वांगशी को रैबिट रखने के लिए अलाउ तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस रैबिट के आने से वांगशी फिर से पहले की तरह उसी तरह खुश रहने लगता है जैसे कि वह उस तितली के साथ रहने लगा था। वांगशी उस रैबिट का नाम भी यिंग रखता है, क्योंकि अब वांगशी को एक जगह बैठकर शांति से चीज़ों को ऑब्जर्व करना पसंद था, चाहे वो चिड़िया हों या जानवर या फिर सिर्फ इंसान ही। वांगशी अपने घर के पीछे फॉरेस्ट एरिया में इसलिए चला गया था, उसे वहीं पर ये रैबिट मिला था और इसे देखकर वह उसी तरह अट्रैक्ट हो गया था कि मानो ये रैबिट बाकी रैबिट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो। वांगशी उसके साथ खेलकर उसे वहीं पर छोड़ना चाहता था, लेकिन वो रैबिट वांगशी को नहीं छोड़ना चाहता था, और वांगशी भी उसके साथ काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल फील करता है। और अब वह रैबिट वांगशी के साथ करीब 1 साल तक रहता है, और उसके बाद उस रैबिट की भी डेथ हो जाती है। ये बात वांगशी को काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है कि पहले उस तितली की डेथ हो गई थी और अब इस बनी की, और वांगशी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। और इसके बाद वह कोई भी पेट नहीं पालता, और ना ही उसे फिर से कोई जानवर या किसी चीज़ ने इस तरह से अट्रैक्ट करा। अब 20 साल का समय बीत जाता है और वांगशी एक स्कूल में टीचर है। वांगशी अपने ऑफिस में वर्क कर रहा था। अब वांगशी की कोई और क्लास नहीं थी तो वह थोड़ा सा ब्रेक लेता है और वहाँ से खड़ा होकर वह बाहर देखने लगता है। वांगशी को अभी बिना कुछ कहे शांति से चीज़ों को देखना और उन्हें ऑब्जर्व करना पसंद है। यह कहे कि इससे ही वांगशी को सुकून मिलता था। वह खिड़की से ही बाहर फूलों की तरफ देखने लगता है, लेकिन वांगशी नोटिस करता है कि वहाँ पर कोई और भी खड़ा है। उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी तो डेफिनेटली कि वह कोई स्टूडेंट है। जैसे ही वह अपना फेस टर्न करता है और वांगशी की तरफ देखता है, वांगशी को पता नहीं क्या होता है कि वो अपनी जगह पर ही मानो खड़ा रह जाता है। वांगशी बस ऐसे ही उस पर्सन को ही देखता रह जाता है। वह पर्सन वांगशी की तरफ स्मैक करता है और वहाँ से चला जाता है। उसकी स्मैक देखकर पता नहीं वांगशी क्यों एकदम से नर्वस फील करता है। वांगशी देखता है कि वहाँ से वह जा चुका है, लेकिन अब भी वांगशी बिल्कुल अजीब फील कर रहा था। वांगशी अपने दिल पर हाथ रखता है कि अचानक से उसे हो क्या जाता है। वे एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट है, वेवुश्यान। वांगशी को समझ नहीं आता कि आखिर तब भी वह वांगशी के सामने आता है, वांगशी इतना ज़्यादा स्ट्रेंज क्यों फील करता है। तब भी वह वांगशी की तरफ देखता है तो ऐसा लगता है कि मानो उसकी नजरें सीधा वांगशी के ऊपर ही निशाना लगा रही हों। वांगशी को एक फैमिलियर फीलिंग होती है, लेकिन साथ में ऐसा बिल्कुल कि उसकी पूरी बॉडी मानो ठंडी पड़ जाए। जब अगले दिन वांगशी स्कूल आता है, वह देखता है कि क्लास का टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे हॉल में ऐसे ही घूम रहे हैं। जैसे ही वह बच्चे देखते हैं कि वांगशी उनकी तरफ आ रहा है, वो सभी एकदम से डर कर
क्लासरूम में जाने लगते हैं। वांगशी का उनको देखना ही काफ़ी था और कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन वांगशी के सामने से पेवुश्यान भी निकलकर क्लास में जाता है। जब वह जा रहा होता है, वह वांगशी की आंखों में देखता है और इसके बाद वहाँ से स्मर्क कर निकलता है। वांगशी को समझ नहीं आता कि आखिर उसके स्मर्क करने से वांगशी इस तरह से इफ़ेक्ट क्यों हो रहा है और वह कुछ कह क्यों नहीं पा रहा, जैसे मानो उसके सांसें रुक जाएंगी। वांगशी जब क्लास में पढ़ा रहा होता है तो वेवुश्यान सिर्फ वांगशी को ही देख रहा होता है। वांगशी अपना गला साफ करते हुए बोलते हैं, कृपया सभी लोग केवल मेरा फेस ना देखिए, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ वहाँ भी ध्यान दें। और वह नज़रें हटाते हुए बोलता है, ये क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा। और तभी वहाँ पर वेवुश्यान अपना हाथ उठाता है। ये देखकर वांगशी सिर्फ उसी की तरफ देखता है, क्योंकि वांगशी को तो वह कभी पढ़ाई करते हुए दिखाई ही नहीं देता। और वांगशी सोचता है, क्या सिर्फ इसी को ही हाथ उठाना था। वांगशी देखता है कि शायद किसी और बच्चे ने भी हाथ उठाया हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। और बाकी बच्चे अब वांगशी की तरफ देख रहे थे कि आखिर अब वह कब वेवुश्यान को बुलाएगा। और वांगशी को उसे ही बुलाना पड़ता है। वांगशी देखते हैं कि वेवुश्यान की आईब्रो थोड़ी सी निकट हैं और वह साथ में हल्की सी स्माइल कर रहा है। वेवुश्यान वांगशी के पास जाता है, एकदम से बोलता है, सर इतना नर्वस क्यों फील कर रहे हो। लेकिन वांगशी मानो कोई आंसर ही नहीं कर पाता। वेवुश्यान क्वेश्चन का आंसर करता है और वांगशी उसे देख रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों वांगशी को उसमें बनी का इल्यूज़न हो रहा था। और उसे इसलिए ही शायद वेवुश्यान बाकी बच्चों से डिफरेंट फील होता है। लेकिन आखिर वह क्या चीज़ देख रहा है, उसे खुद को ही समझ नहीं आता। अब जैसे जैसे दिन बीतते हैं, चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। वांगशी को समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आजकल उसके सपनों में वह तितली, उसका वह बनी काफ़ी आने लगा है और कहीं ना कहीं उसे वेवुश्यान भी दिखाई देने लगा है। वांगशी सोचता है कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। स्कूल में भी वांगशी खुद को नहीं रोक पाता वेवुश्यान को देखने से। वो उसके तरफ उसी अट्रैक्शन फोर्स को फील करता है कि मानो वह उसकी तरफ जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी खींचा जा रहा हो। और वांगशी पिंक की पर्सनैलिटी से भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड होता है, क्योंकि जहाँ एक पल पिंक शांत, शाय, सीरियस, मिस्टीरियस फील होता है, तो वहीं दूसरी तरफ वो काफ़ी ज़्यादा शोर मचाता है। शरारती और एकदम एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी में मानो कोई डेविल वर्जन दिखाई देता है। और मानो उसका नेचर वांगशी बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। वांगशी को सामान लेकर स्टाफ रूम की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी कोई आकर उससे टकरा जाता है। वो दोनों गिरने ही वाले होते हैं, लेकिन लकीली वह बच जाते हैं। लेकिन वांगशी के हाथों से उसका सामान गिर जाता है। वांगशी देखता है कि आखिर ये कौन है। वांगशी की नज़र जाती है तो वो देखता है कि ये वेवुश्यान है। तभी वहाँ पर यानली आती है, जो कि उसके ऊपर चिल्ला रही होती है, आइंग क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, क्या तुम देख कर नहीं चल सकते, कितनी बार कहा ये शरारतें मत करो करो। और वह वांगशी से सॉरी बोलती है। और यानली पूछती है, सर क्या आप ठीक हो। वांगशी हमें सर हिलाता है और फिर से यानली वेवुश्यान को देखती है। आइंग इतनी शरारतें मत करो करो, अगर अभी चोट लग जाती तुम्हें या सर को तो फिर क्या। लेकिन विंग क्यूटली पार्क बनाकर यानली की तरफ देखता है, सॉरी शिजे, और उसके बाद वांगशी की तरफ देखता है, सॉरी सर। वांगशी को इस नेम से काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर फील होता है। वांगशी बोलता है, आइंग। वेवुश्यान बोलता है, हाँ मेरा नाम विंग है। ये सुनकर वांगशी सिर्फ विंग की तरफ ही देख रहा था। वांगशी सोचता है, विंग और विंग इतने ज़्यादा सिमिलैरिटी कैसे हैं। विंग बोलता है, सर मैं आपकी हेल्प कर दूँ। वांगशी बोलता है, नहीं। और वह जल्दी से अपने सामान को उठाता है और वहाँ से अपने ऑफिस में चला जाता है। वांगशी पहले जाकर पानी पीता है और ख़ुद को शांत करता है कि आखिर मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, और नाम से क्या ही फ़र्क पड़ता है। और वह सोचता है कि शायद उसका दिमाग ख़राब हो चुका है, कि आखिर वह एक रैबिट को एक इंसान से कैसे कंपेयर कर सकता है। लेकिन ये फीलिंग जिन्हें वांगशी बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पा रहा है, बस अलग है, तो सिर्फ ये कि जब वेवुश्यान उसके पास होता है तो मानो उसकी पूरी बॉडी ही ठंडी पड़ जाती है। अब वांगशी घर जल्दी जाने के सोचता है, क्योंकि उसके दिमाग में यही बातें चल रही थी और इसकी वजह से मानो वांगशी बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा था। वांगशी सोचता है कि आखिर मैं क्या ही करूं। जब वांगशी जा रहा होता है तो मानो एकदम से गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे कोई पकड़ लेता है।
और यह और कोई नहीं बल्कि विंग होता है। जब वांगशी यह देखता है उसके मुंह से एकदम से निकलती है, क्या तुम मेरे यिंग हो? और विंग बस उसकी तरफ स्माइल करता है और हाँ में सर हिलाता है। फिर वांगशी सोचता है कि आखिर उसने क्या ही बोला, और वह जल्दी से जाने लगता है, लेकिन विंग उसका हाथ पकड़ लेता है। विंग बोलता है, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आप ही का यिंग हूँ। वो रैबिट और वो बटरफ्लाई, ये सुनते ही वांगशी एकदम से हैरान हो जाता है। वांगशी बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो? विंग बोलता है, क्यों, आप ही ने तो पूछा था क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है जब मैं तितली था। आप ही तो मुझे उस फॉरेस्ट एरिया से अपने घर लाए थे और मैं भी आना चाहता था। वांगशी विंग की बातें सुन तो रहा था लेकिन वह बिल्कुल भी मानो इन पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। विंग बोलता है, मैं आप ही के लिए इंसानी रूप लेकर आया हूँ, आप ही के लिए इतनी मेहनत करी है और आपको ही मेरी निगाहें ढूंढती हैं, इसलिए तो आपकी बॉडी इतना कोल्ड फील करती है। वांगजी सोचता है कि यानी यह सही है कि जो फैमिलियर फीलिंग वह फील करता है, जो उसमें वो तितली या रैबिट की परछाइयाँ देखता है। और इसके बाद विंग वांगशी का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगता है। वांगशी रोकना चाहता था। विंग बोलता है, कोई कुछ नहीं कहेगा हमारे जाने पर, मेरे फादर संभाल लेंगे। और विंग वांगशी को अपने साथ कार में बिठाकर कहीं ले जाने लगता है। विंग बोलता है, चिंता मत करो, मैंने आपका किडनैप करा है लेकिन ट्रस्ट मी, आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। और ये कहकर वह वांगशी की तरफ आँख मारता है। वांगशी के ईयर्स रेड हो जाते हैं। विंग बोलता है, अब तो आप रैबिट लग रहे हो, रेड ईयर्स, रेड नेक और वाइट फेस, सो क्यूट। लेकिन वांगशी से आंखें दिखाता है। विंग बोलता है, लो हम पहुंच गए। और जब वह दोनों कार से उतरते हैं, वांगशी उस घर को देख रहा था जिसे देखकर वांगशी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह बिल्कुल नेचर के बीच बना हुआ था, ऐसा जब वांगशी अपनी बनी से बातें करता था कि वह बड़ा होने के बाद कैसा घर लेगा और उसमें उसे भी रखेगा। लेकिन उसके बाद वांगशी का कभी मन करा ही नहीं। अपने हाथ को विंग के गाल पर फहराता है। वांगशी सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है। विंग वांगशी का हाथ पकड़ता है। विंग बोलता है, मैंने आपके लिए इंसानी रूप लिया है, सब मत कहो कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। फिर इसके बाद विंग वांगशी को अंदर ले जाता है। विंग बोलता है, मैं लव गॉडेस का इकलौता सन हूँ और वह तितली वाला रूप मेरी पनिशमेंट थी, और इसके बाद मैंने उससे भी बड़ा काम खराब करा ताकि मुझे फिर से पनिशमेंट मिल सके और मैं धरती पर किसी भी तरह आपके पास आ सकूं। लेकिन मुझे फिर भी बनी का रूप मिला और फिर मैं उससे भी बड़ा कबाड़ा करने के लिए तैयार था ताकि मुझे किसी भी तरह इंसानी रूप मिल सके। ये सुनकर वांगशी बस विंग को देख रहा था। विंग बोलता है, क्या ज़रूरी नहीं कि आप हर बार इंसान बनो क्योंकि आपने कुछ अच्छा करा हो, आप कभी कभी इंसान इसलिए भी बन सकते हो क्योंकि आपने कुछ बहुत बुरा करा हो, और इंसानों से ज़्यादा कई बार निहत्ता और कोई नहीं होता। लेकिन मेरी मदर को पता चल चुका था और उन्होंने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करने दिया, और फिर इतने टाइम तक मैं उन्हें परेशान करता रहा कि वो किसी तरह मुझे अलाउ कर दें कि मैं भी इंसान बनकर धरती पर आ सकूं, और फिर फाइनली मेरा किसी भी तरह इंसान के रूप में जन्म हो गया। लेकिन आप मुझे याद थे हर बार, और फिर आपको ढूंढना ज़रूरी था, थोड़ा डर था कि कहीं आपको प्यार हो ना गया हो किसी से, लेकिन मैंने मेरी मदर को तैयार कर रखा था कि आप किसी और के प्यार में ना पड़ें। लेकिन अच्छा है कि आपको किसी से प्यार नहीं हुआ, तो मुझे हैरानी है कि आपको मैं याद था। वांगशी बोलते हैं, मैं कैसे भूल सकता हूँ उन चीज़ों को, उन यादों को, वो मेरे लिए बहुत खास है। विंग बोलता है, और मैं? वांगशी विंग के गल पर अपना हाथ लगाते हैं, और तुम ही तो उनका जरिया हो। विंग बोलता है, ओके तो अब अपना प्यार कन्फेस कर दो। ये सुनते ही वांगशी की आंखें बड़ी हो जाती हैं क्योंकि अब तक तो उसे भी एहसास नहीं था, और जब उसे एहसास हुआ तो विंग को कैसे पता। विंग हंसने लगता है वांगशी के ऐसे रिएक्शन पर। विंग बोलता है, मैं लव गॉडेस का बेटा हूँ, मुझ में उनकी ताकत है, मैं आँखों के नशे से किसी के दिल में प्यार जगा सकता हूँ, प्यार को महसूस कर सकता हूँ और प्यार को बर्बाद कर सकता हूँ। आप मुझे फील करते हो, मेरी तरफ अट्रैक्ट होते हो, उसका सिंपल सा रीज़न था कि आपकी बॉडी बिल्कुल ठंडा फील करती है, और अगर आप एक पल भी उन यादों में क्या किसी भी तरह मुझे फील नहीं कर सकते तो मेरी मदर के इंस्ट्रक्शन साफ थे, मुझे वापस जाना पड़ता।
ये सुनते ही वांश बोलता है तो तुम वापस चले जाते। हिंग बोलते मेरा दिमाग ख़राब है क्या, वो तो सिर्फ आपका हो सकता है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता ना और आप मेरी तरफ थोड़ा सा भी अट्रैक्ट नहीं होते तो मैं आपको लव पॉइजन से वार करता, आपको घाव देता और उस घाव को अपने ही प्यार से भर देता। फांगशी फिंग की तरफ देखता है कि आखिर क्या ही बोल रहा है। फिंग बोलता है मैं आपके लिए आया हूँ और आपको ढूंढने में मैंने इतना वक्त लगाया है तो डेफिनेटली मैं इस चीज़ को बर्बाद तो नहीं होने देता। और वह फिर वांगशी की आंखों में ध्यान से देखता है, पर मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या क्या बर्बाद कर देता। इसके बाद वांगशी फिंग को गले लगाता है, उसकी कमर पर अपना हाथ फहराता है कि शांत हो जाओ, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ स्टोरी भी ख़त्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।